उत्तराखंड में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खटीमा के तराई इलाके में एक बीमार हाथी मिला जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। खटीमा तराई पूर्वी उपवन प्रभाग के पश्चिमी किलपुरा बीट में प्लॉट नंबर 21 पर एक हाथी बीमार हालत में पाया गया। वन अधिकारियों ने बीमार हाथी के उपचार के लिए पशु चिकित्सक को बुलवाया, लेकिन उपचार के दौरान बीते रोज सुबह हाथी की मृत्यु हो गई। एसडीओ संचिता वर्मा ने बताया कि बीमार हाथी की सुरक्षा के लिए शेड लगाया गया, साथ ही वन कर्मियों द्वारा हाथी के भोजन की व्यवस्था की गई। कॉर्बेट के विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलकर सामूहिक उपचार के दौरान हाथी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के माध्यम से पता चला है कि हाथी काफी लंबे अरसे से बीमार था, इस कारण उसकी मौत हुई। वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया था कि 2 दिन पूर्व हमको एक बीमार हाथी मिला हुआ था। वो बीमार था, उसके लिए हमने स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया, मौके पर उसका मुआयना कराया। ये हमको पश्चिमी किलपुरा जो हमारी बीट है उसकी प्लॉट संख्या 21 पे मिला हुआ था, तो हमने उसके लिए पूरे शेल्टर वगैरह का इंतजाम और उसके भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी करी और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी बुलाया। और उसके साथ साथ जो हमारे विभागीय वेटेरिनेरियन हैं कॉर्बेट के, तो उनसे भी हमने बातचीत करी कि किस प्रकार से उसका भी समुचित उपचार करें, लेकिन परिस्थिति बस उसको बचाया नहीं जा सका और कल उसकी सुबह मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करने संबंधी अन्य जो भी कार्रवाई थी वो हमारे द्वारा संपादित की गई और वो यही बताया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार था, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उनकी जो हमारे स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे उनका जो दूरभाष पर हमने वार्ता कराई थी। दरअसल जो हमारे जितने भी विभागीय वेटेनेरियन थे, आपको पता होगा भीमताल में जो केस हुए हैं लगातार 2-3 दिन के, तो वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर बने हुए थे, तो इस वजह से केवल एक ही जो हमारे साथ आ जाए हैं डॉक्टर तरुण गर्ग, उनको हमने बुलाया सर वहाँ पर। और जो हमारे स्थानीय वेटेनेरियन हैं डॉक्टर शर्मा जी, उन्होंने उसका उपचार किया। कमी कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था कर रखी है। दो दो डॉक्टरों का पैनल हमने बनवाया था और दोनों डॉक्टरों को भी बुलाया। इसके अलावा भी कुछ हमारे ऐसे व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति, जो जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आसाम में कुछ लोग हैं, राभा जी लोग हैं या कलिता जी लोग हैं, जो पिछले विगत कई सालों से हाथी संरक्षण में लगे हुए हैं, तो उनसे भी मौके पर ही दूरभाष पर हमने बात कराई कि किस प्रकार से हम इस हाथी की जान को बचा सकते हैं। उनसे भी दूरभाष में उनके भी अनुभवों को लिया गया कि किस प्रकार से हम क्या व्यवस्थाएं ऐसी कर दें कि उस हाथी की जान को बचाया जा सके। लेकिन वास्तव में उस हाथी की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी, काफ़ी दिनों से वो बीमार था और हमने भी पूरा प्रयास किया, हम भी वहाँ पर मौका मुआयना करके आए, तो फिर भी लेकिन उस हाथी को नहीं बचाया जा सका। उसके हाथी के जो भी टस्क वगैरह हैं वो बिल्कुल सुरक्षित। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।